मोदी सरकार के दूसरे सालगिरह पर कांग्रेस का आरोप, अमिताभ बच्चन की भागीदारी को लेकर उठाया सवाल, बताया कालेधन का आरोपी। कांग्रेस के आरोपों पर अमिताभ बच्चन की सफाई, बोले नहीं कर रहा हूं पूरा कार्यक्रम, दिल के करीब होने की वजह से सिर्फ बेटी बचाओ का करूंगा सेगमेंट। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी दी सफाई, संबित पात्रा बोले दूरदर्शन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, छोटे सेगमेंट में हिस्सा लेंगे अमिताभ बच्चन। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी के सांसद परेश रावल का पलटवार, कहा उनके पास नहीं है कोई मुद्दा, जरूरी नहीं है ध्यान देना। मोदी सरकार के दो साल के कामकाज से खुश नजर आए अक्षय कुमार, कहा सब अच्छा है, सब अच्छे से सांस ले रहे हैं। कल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के दो साल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ओडिशा के बालसौर में भी 2 जून को रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 साल की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है बीजेपी। यूपी में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में घमासान, इलाहाबाद में वरुण गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर। इलाहाबाद में लगे पोस्टरों से सामने आई बीजेपी में गुटबाजी, लिखा उत्तर प्रदेश की यही पुकार, वरुण गांधी अब की बार, स्मृति ईरानी को बताया गया बीमार। पश्चिम बंगाल में पार्टी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कांग्रेस ने विधायकों से ली कसम, बंद कमरे में 44 विधायकों से बॉन्ड पर करवाए गए हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस विधायकों ने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर सोनिया गांधी के नाम का भरा वफादारी बॉन्ड, लिखा पार्टी के खिलाफ नहीं करूंगा बगावत। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने विधायकों से भरवाए बॉन्ड, सूत्रों के अनुसार नाराज है पार्टी आलाकमान। विधायकों से बॉन्ड भरवाने को लेकर अधीर रंजन चौधरी की अजीब वरीब दलील, बोले यह वफादारी है चापलूसी नहीं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा, अपने पास रखा गृह विभाग। टीएमसी के अंदरूनी घमासान को लेकर ममता बनर्जी ने नेताओं को चेताया, पूर्व मंत्रियों की हार पर जांच के लिए बनाई कमेटी। अयोध्या में बजरंग दल की ट्रेनिंग कैंप पर बड़ा विवाद, आयोजकों पर दर्ज हुई एफआईआर, धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का है ये मामला। बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ एफआईआर को लेकर भड़के विनय कटियार, कहा यूपी में दंगा कराना चाहती है अखिलेश सरकार। फैजाबाद में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप को लेकर आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह अच्छी राजनीति नहीं, इससे बड़ा नुकसान होगा। बजरंग दल के कैंप में दी जा रही थी आतंकवादियों से मोर्चा लेने की ट्रेनिंग, वीडियो में खास तबके को दिखाया गया था आतंकवादी। पश्चिम बंगाल के बहाने तैयार होगी मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। केरल में आज से लेफ्ट का राजपाट, पिनरई विजयन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, 18 विधायक बने मंत्री। अमर सिंह ने भरा राज्यसभा का पर्चा, मुलायम सिंह के प्रति जताया आभार, कहा पूरी निष्ठा से समाजवादी पार्टी के लिए करूंगा काम। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने भी राज्यसभा का पर्चा भरा, बोले फिर से अखिलेश सरकार के लिए लगा दूंगा जी जान। श्रीनगर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बवाल, राज्य की समस्याओं का उठाया मुद्दा, महबूबा सरकार पर केंद्र के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस में घमासान, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ठहराया सही, कहा नहीं था कभी कोई शक। बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे हैं दिग्विजय सिंह, पाटिल की टिप्पणी पर बोले किसी के पास सबूत हो तो सामने रखे। सामने आया गोरक्षा के नाम पर इंसानियत की हत्या करने वाला वीडियो, पंजाब हरियाणा हिमाचल जैसे राज्यों में गोरक्षा के नाम पर बर्बरता। गोरक्षा दल की बर्बरता से दहशत में है पंजाब हरियाणा और हिमाचल के पशुपालक, गाय की जगह अब भैंस पालने पर जोर। गोरक्षा समिति के अमानवीय व्यवहार से हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने झाड़ा पल्ला, कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि बंद हो अत्याचार। दाऊद के साथ एकनाथ खड़से के कनेक्शन पर माथापच्ची कर रही हैं जांच एजेंसियां, सूत्रों के अनुसार आंकड़े खंगाल रही है मुंबई की क्राइम ब्रांच। खड़से पर खुलासे के बाद देश में दाऊद कनेक्शन खंगालने में जुटी सरकार, सूत्रों की खबर, डॉन का फोन रिसीव करने वाले हर शख्स की हो रही है जांच। एकनाथ खड़से की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर को आज तक को दिलाया भरोसा, राजस्व मंत्री को क्लीन चिट देने की नहीं की है कोई भी जल्दबाजी। दाऊद इब्राहिम के फोन कॉल्स के बाद अब नए विवाद में घिरे हैं एकनाथ खड़से, पुणे के एमआईडीसी की जमीन को अवैध ढंग से खरीदने का लगा आरोप।
जमीन विवाद को लेकर खड़से की सफाई, सरकारी नहीं है जमीन लेकिन MIDC ने खरीद पर उठाया सवाल। गुआंगझाओ के बाद बीजिंग पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, चीनी उपराष्ट्रपति ली यूनचाओ से की मुलाकात। 6 नए IIT पर मोदी कैबिनेट ने लगाई मोहर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेगा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान। श्रीनगर में साक्षर भारत मिशन के कर्मचारियों का महबूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर जोरदार हंगामा। बिजली पानी को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म, 28 मई को राहुल के प्रस्तावित मशाल जुलूस पर आम आदमी पार्टी ने दाखिल सवाल। राजस्थान के पाली में लोगों की बड़ी मुसीबत, मानसून आने तक 3 दिन में एक ही बार मिलेगा पानी। गया में LJP नेता सुदेश पासवान की गोली मारकर हत्या, 6 बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुखिया पद का चुनाव लड़ रहे हैं सुदेश पासवान की पत्नी, प्रचार के लिए निकले थे LJP नेता, फायरिंग में भाई की भी हो गई मौत। कानून व्यवस्था के सवाल पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव का अटपटा जवाब, कहा दाऊद के साथ है BJP के मंत्री का कनेक्शन, क्यों नहीं करते कार्रवाई। गया के आदित्य हत्याकांड में FSL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रॉकी यादव की ही पिस्टल से मारी गई थी गोली। मध्य प्रदेश के इटारसी में BJP के विधायक संजय शर्मा के स्वागत में जोरदार फायरिंग, समर्थकों ने बीच सड़क पर जमकर चलाई गोलियां। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला, NC नेता गुलाम मीर के सुरक्षाकर्मियों से आतंकवादियों ने छीनी राइफल, 2 जवान घायल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नए आतंकवादी प्लान का खुलासा, मेडिकल वीजा पर आकर दिल्ली में रेकी कर रहे हैं आतंकवादी। पठानकोट हमले के आरोपियों पर मेहरबान हुआ पाकिस्तान, मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को ISI ने छुपाया। पठानकोट हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर घबराया पाकिस्तान, खुफिया सूत्रों के अनुसार बहावलपुर के सेफ हाउस में अंडरग्राउंड है जैश का सरखना। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 5 शार्प शूटर गिरफ्तार, पुलिस का दावा जल्द होंगी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारियां। राजदेव हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शाबुद्दीन के करीबी लंडन मियां ने दी थी 3 लाख रुपए की सुपारी, शूटर रोहित ने 4 साथियों के साथ मिलकर किया मर्डर। सिवान पुलिस ने शार्प शूटरों से बरामद की पिस्टल, 1 बाइक भी जब्त, लंडन मियां समेत कुछ और लोगों की हो रही है तलाश। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 लोगों की मौत, 22 हुए घायल। चौखुडिया से रामनगर जा रही थी यात्रियों से भरी बस से मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिया स्थिति का जायजा। वाराणसी के BHU कैंपस में बवाल, छात्रों के निलंबन का समर्थन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, परिजनों की मांग पर कब्र से निकाला गया BTech की छात्रा ऋतु यादव का शव, दोबारा किया गया पोस्टमार्टम, ग्रेटर नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। पलवल में साली से मजाक को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में एक वकील और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या, लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। पंजाब के तरन तारण में इलाज के दौरान एक युवक की मौत पर बवाल, परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। तेलंगाना के निजामाबाद में हादसे की खौफनाक तस्वीर, 2 ट्रकों के बीच आई कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक को ओवरटेक करते हुए दाहिने मुड़ने की कोशिश कर रहा था कार सवार, सामने से आ रहे ट्रक और साइड में चल रहे ट्रक के बीच सैंडविच बन गई कार। मुंबई में टल गया एक बड़ा हादसा, 1-1 कर नाले में गिरी 32 दुकानें, लेकिन वक्त रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अहमदाबाद में सीने में गोली धंसने के बावजूद अनजान रही महिला, दर्द की शिकायत लेकर पहुंची अस्पताल तो हुआ ये बड़ा खुलासा। दिल्ली में 170 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ी रकम दिलाने का देता था झांसा। मुंबई के नेहरू नगर में युवती की चाकू मारकर हत्या, अनजान शख्स ने पीठ पर किया वार। राजस्थान के कोटपुतली में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण, सुबह 7:30 बजे जयपुर जाने की बात कहकर निकला था घर से जगदीश। हैदराबाद में सीमेंट से भरे ट्रक के पलटने से सड़क पर लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाइक सवार 6 लुटेरों ने कारोबारी को लूटा, 2 लाख रुपए लेकर फरार। जयपुर में एक गारमेंट शोरूम में चुन चुन कर कपड़े चोरी करते दिखे चोर। मोगा में 12वीं की छात्रा ने पिता की लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। फरुखाबाद अदालत में वकीलों ने की दरोगा की पिटाई, 1 मुकदमे को लेकर बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 साल की मासूम से बलात्कार, 22 साल का लड़का गिरफ्तार। ग्वालियर में नगर निगम के स्विमिंग पूल में डूबकर छात्र की मौत। सऊदी अरब में शोषण का शिकार हो रही हैदराबाद की एक महिला, मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। दिल्ली में MCD कर्मचारी की आत्महत्या, वेतन नहीं मिलने से था परेशान। सूरत में 3 नकाबपोश लुटेरों ने तोड़ी ATM मशीन, 2 लाख रुपए लेकर फरार।
हरियाणा के पलवल में नाबालिग लड़की से बलात्कार, सिगरेट से जलाने का भी मामला। रोहतक के हेल्थ यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी में मिली एमबीबीएस के छात्र की लाश। पंजाब के फिरोजपुर में व्हाट्सएप ने लिए की जान, चरित्र पर शक को लेकर पति ने पत्नी के प्रेमिका किया मर्डर। आंध्र प्रदेश में आसमान से आग उगल रहा है सूरज, विशाखापट्टनम समेत कई इलाकों में भीषण गर्मी। वाराणसी में अचानक बदला मौसम, जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, एनसीआर में बादलों का डेरा। हिमालय में जारी रहेगा आंधी तूफान का कहर, 28 से 31 मई तक बारिश का अनुमान। खुल गए सिखों के पवित्र धाम हेमकुट साहिब के कपाट, 7,000 लोगों ने किए दर्शन।